Hello friends, welcome to our channel Fun with Technical. Please subscribe to our channel and press the bell icon for get notification on my new video. Vivo ने अपनी एक और नौटंकी को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Vivo V7 Plus। तो चलिए देख लेते हैं Vivo ने क्या कुछ झंडे गाड़े हैं अपने इस फोन में, और साथ ही ये भी बात करेंगे आपको ये फोन क्यों लेना चाहिए और ये भी करेंगे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं Vivo की V7 Plus की बेवकूफी के साथ, यानी कि जान लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन और बिल्ड क्वालिटी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फोन 5.99 इंच का है, यानी कि साइज में थोड़ा बड़ा, लेकिन इसके बेजल्स थोड़े से लेस किए गए हैं, जिससे कि फोन देखने में ठीक लगता है। और अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1440 पिक्सल, यानी कि फोन फुल HD सपोर्ट नहीं करेगा। क्या बात है Vivo, कौन से दादा आदम के जमाने में जी रहे हो यार। कुल मिलाकर स्क्रीन रेजोल्यूशन घटिया होगी। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। 4GB की रैम होगी, 64GB का इंटरनल मेमोरी स्पेस होगा, जिसे आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं 256GB तक। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टाकोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर पर काम करेगा। स्नैपड्रैगन 450 फिर पहुंच गए पुराने जमाने में यार, इतने पैसों में 600 प्लस होना चाहिए था। खैर Vivo, तुम्हारी माया तुम ही जानो। इसका OS एंड्रॉइड के 7.1 पर काम करेगा और साथ में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बात करते हैं इसके उस फीचर की जिसे Vivo ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है, वो है इसका कैमरा। आपको इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का। मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात कर रहा हूँ, 24 मेगापिक्सल। और वहीं आपको रियर कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का। जी हाँ, यह कंपनी इसीलिए जानी जाती है, सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। 3225 mAh की बैटरी के साथ में ये फोन लेस है, जिसमें कि फास्ट चार्जिंग को मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर भी। अब पता नहीं फास्ट चार्जिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ आपको ये फोन क्यों लेना चाहिए। अगर आप सेल्फी लवर हो और सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए फोन खरीदना चाहते हो तो आप ये फोन ले सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस फोन की कीमत क्या होगी। इस फोन की कीमत है 21,990 रुपए, यानी कि पूरे 22,000 रुपए। 22,000 रुपए में अगर आप फोटो क्लिक करने के लिए फोन खरीदो तो खरीद सकते हो भाई। दूसरा रीजन इसे खरीदने का, भाई बड़ी स्क्रीन है। अगर आप बड़ी स्क्रीन पसंद करते हैं तो भाई शायद आप ही के लिए है ये फोन। भाई मुझे दो ही रीजन मिले जबरदस्ती ढूंढने पर कि आप इसे क्यों खरीदें। अब मैं बता देता हूँ इसे क्यों ना खरीदें। सबसे पहली बात, कीमत बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, जो कि 22,000 रुपए में बहुत ज्यादा महंगा है। तीसरी बात, इसकी बैटरी कम है 3225 mAh की, क्योंकि स्क्रीन का साइज बड़ा है, तकरीबन 6 इंच की इसकी स्क्रीन है, तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी। और चौथा रीजन, फोन चाइनीज है। बाकी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं Vivo की इस नौटंकी के बारे में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।